दोस्तों देखिए, ये तो गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर मैं आप लोग से बता रहे हैं कि गाड़ी चला रहे थे तो ब्लॉगिंग कर नहीं पाएंगे, इसीलिए देखिए ब्लॉगिंग तो करना पड़ रहा है। और ख़राब होगा ब्लॉगिंग तो डांट भी इनसे सुनना पड़ेगा हमको। बताइए, ये फोटोग्राफर है, ब्लॉगिंग करते हैं तो इन्हीं को ना आएगा अच्छे से? हमको तो आएगा नहीं, हम तो जो घर में काम करते हैं वही ना हमको अच्छे से आएगा। आज तो घर ही हम लोग को 10 बज गया है और देवरिया कुछ काम था 10 बजे, तो इसीलिए मतलब हम लोग अब निकले हैं और हम लोग लग रहा है धूप में निकले हैं, धूप में हम लोग को घर तक जाना पड़ेगा लग रहा है। और दोस्तों देखिए, मेरे यहाँ देख रहे हैं रोड के पास कहीं फोड़ा हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। ये बाबू का तौली बार बार खुल जा रहा है और बहुत सारा दिक्कत हो रहा है टोपी में। टोपी एक है छोटा भी हो गया है, उसका रबड़ इसे गले में दाब दे रहा है और बैग में पीछे बंधा गया है। और सोच रहे देवरिया पहुँचूँ तो कहते उसको खोल को निकाल रहे हो, नहीं तो एक बड़ा टोपी इसके लिए, गोल वाला टोपी जो रबड़ वाला आता है वही इसके लिए लेना है दोस्तों। अगर जिस बाज़ार में इसके लायक मिल जाएगा तो ले लेंगे, क्या खोज के लेना पड़ेगा क्योंकि इसको बहुत ही धूप लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हम लोग कल गए शाम को घर पहुँचे, मतलब देवरिया आए बाबू को देखे और घर पहुँच गए अपने। देवरिया से 10 मिनट का रास्ता है मेरा घर जाने का। और फिर आज हम लोग निकल रहे हैं घर और देखिए जो रोड दिख रहा है ना, ये रुद्रपुर जाता है और रुद्रपुर भी मेरा ममहर है। और वहाँ पर रुद्रपुर में एक नाथ बाबा का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पे दोस्तों। इधर जो पीछे रोड दिख रहा है ना वीडियो में, ये रोड हम लोग के गाँव तरफ जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं आगे देवरिया की तरफ। तो देवरिया और रुद्रपुर के बीचों बीच में मेरा गाँव है, जो उसरा बाज़ार वाला फैक्ट्री है ना, बड़ा चौरा उसरा बाज़ार के बीच में फैक्ट्री जो पड़ता है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो वहीं पे मेरा घर है। और जो फैक्ट्री आप लोगों को दिखाए हैं उसी के सटले मेरा सब खेत वगैरह है सब। तो एक जो था रोड पे वो तो दिखा दी मैं, जो खेतों के बीच में था वो कहाँ जा रहे हैं दिखाने ठीक है। और उधर रुद्रपुर के साइड हम लोग गए, उधर अपना स्कूल दिखाए होते हम लोग को। और उधर मतलब नाथ वहाँ गए, उधर तो थोड़ा दर्शन भी किए होते, जाना था लेकिन अभी समय नहीं बन पा रहा है कि जाएं। और ममहर भी अपना घूम लिए होते हैं, मेरे ममहर बहुत बड़ा नदी है, बारी बगीचा है, बहुत मज़ा आता है दोस्तों घूमने में। और दोस्तों अब हम लोग आ गए कतरारी चौराहा, अब हम लोग यहाँ कतरारी चौराहा है देख रहे हैं दोस्तों, ये है कतरारी चौराहा। और हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं, अब सीधा रोड हम लोग देवरिया में नहीं घुसेंगे, रुद्रपुर वाला रोड हम लोग छोड़ दिए, अब कतरारी से मुड़ के हम लोग जा रहे हैं जो देवरिया में हम लोग को ज़मीन लिया गया है उसका नहीं चता गया है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। इतना ट्रक चल रहा है सब दोस्तों कि पूरा रोड खराब हो जा रहा है, टूट जा रहा है। और ये धूल गंदा जो उड़ रहा है वो तो सब आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। पहले दोस्तों जब हम यहाँ पे थी तो फैक्ट्री वाले मतलब ज़मीन हम लोगों का खेत वाला ज़मीन मतलब हम लोग का पूरे गांव फैक्ट्री बना लिए थे, लेकिन हम जब यहाँ पे थे तो अभी थोड़ा थोड़ा फैक्ट्री बना था, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि पूरा मतलब फैक्ट्री बन चुका है, अभी बन ही रहा है। मतलब उधर हम लोग के गाँव के साइड जो खेत वो है ना, वो सब खरीद अभी लोग बना ही रहे हैं सब फैक्ट्री वाले। और देखिए आगे हम लोग आपको दिखा रहे हैं कतरारी का गांव है, ठीक रोड ही पड़ता है कतरारी का गांव, पंडितों का केवल गांव है। घुस रहे हैं कतरारी गाँव हम लोग, और इसके आगे कुछ ही दूर जाने पर जो देवरिया का विद्या मंदिर स्कूल है ना, ठीक उसी के पीछे हम लोग का ज़मीन है दोस्तों। चलिए आप लोगों को दिखाएंगे, अपना ज़मीन भी दिखाएंगे और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल भी दिखाएंगे आप लोग। यहाँ पे गांव के बाहर अब हम लोग निकल गए ठीक है, आगे एक बहुत बड़ा स्कूल है, देखिए दिखेगा तो भी आप लोगों को दिखाएंगे। मज़ा आ रहा है धूप में चलने में, अरे बहुत
मजा आ रहा है ना। बाबू तो काला पड़ गया। हाँ तो गोरा है तब काला हो जाएगा। काला नहीं हो रहा है, लाल कलर का हो जा रहा है उसका चमड़ी। दोस्तों देखिए यही कतरारी का बहुत बड़ा स्कूल है जो आगे दिख रहा है ना डेंट वेंट वाला, ये तो बहुत पहले का बना है। और उसके पीछे भी देखिए उधर भी बन रहा है, कुछ बन गया है और कुछ ऊपर भी बन रहा है। चार तीन तला बन गया, एक तला अभी बन रहा है ऊपर का। कतरारी का बहुत बड़ा स्कूल है देख रहे हैं। देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा बन रहा है पीछे। पीडी एकेडमी स्कूल। और जो भी जाना मजदूर ले जाना होता है इस लोग ले जाते हैं ना जी। यही पर जाना मजदूर लोग का मेला लगता है। देखते हैं सब सामान इधर दिख रहा है दोस्तों, कितना पानी लगा है पता ना, कितना बारिश हुआ है कि इधर पानी भी लगा। वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग फिर देवरिया में प्रवेश कर लिए कतरारी के साइड से। अब यहाँ से देवरिया स्टार्टिंग हो गया। फिर देख रहे हैं यहाँ सीमेंट का सब पुलनी वगैरह बन रहा है यहीं से। दोस्तों जितना इधर मतलब मकान बनवाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़मीन है ना, सब लोग खरीद खरीद बनवा रहे हैं। तो ये भी देखिए इसको एडी मेमोरियल स्कूल है। हाँ यहीं से रास्ता जाता है हम लोग के ज़मीन की तरफ। और देखना चलो देखिए जो ये रोड दिख रहा है ना, यही रोड हम लोग के ज़मीन पर जाल लेके जाएगा हम लोग। देखिए दोस्तों यही वाला रोड लेके जाएगा हम लोग, एडी एकेडमी वाला रोड लेके जाएगा हम लोग। देखिए दोस्तों इसी रोड से हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तभी जब देख रहे हैं बहुत बड़ा हॉस्टल है। देखिए यही के रास्ता जाता है। और देखिए एक ये भी रास्ता है, देखिए एक इधर देखिए सरस्वती मंदिर वाला स्कूल है, अभी आएंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। और इसके पीछे से हम लोग मंदिर स्कूल के पीछे से देखिए हम लोग जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा हॉस्टल है देख रहे हैं। ये देखिए पोखरे के साइड साइड से हम लोग देखिए, ये देखिए दुर्गा जी का मंदिर। और दोस्तों देखिए पोखरा है, और पोखरे से हम लोग का न्यू दिख रहे हैं। लेकिन हम गाड़ी में बैठे हैं कि आप लोग थोड़ा जूम करके दिखाएं, तो हाथ खाली नहीं है कि हम आप लोग को दिखाएं। ये यहाँ का पोखरा है, उधर मंदिर है स्कूल की तरफ। अभी हम लोग आएंगे तो इस रोड से जाएंगे। देखिए जा रहे हैं हम लोग अपनी ज़मीन पे, थोड़ा उसका भी देखभाल कर लें। जब से नहीं चताया है उसके बाद ही आए नहीं हैं ज़मीन पे, तो आए हैं तो थोड़ा वहाँ भी घूम लें देख लें क्या पोजीशन है क्या नहीं, क्या नुकसान हुआ है क्या बचा है। ठीक है दोस्तों देखिए अब यहाँ से देखिए यहाँ पे भी कितना कचरा है देख रहे हैं दोस्तों। अभी नगर पालिका का जो तरफ से जो नाला जो बनता है ना वो अभी लग रहा है इधर पास नहीं हुआ है, तो अभी इधर के सारे मकाने बन जाएंगे तब लग रहा है पास होगा क्या। नाला जब बन जाएगा तभी इधर का दिक्कत पड़ा है। देख रहे हैं दोस्तों और जो ये मकान देख रहे हैं ना इसके पीछे ही हम लोग आए। देखिए हम लोग मकान में सट गई है, सब सामान वहाँ रखा जाता था। देख रहे हैं इधर वाला रूम, ये वो सारे के साइड में रूम है जो इसी में सब लोग सामान सब सामान लोग रखते थे। थोड़ा यहीं पे मतलब उठते बैठते थे लोग, बारिश वारिश होता था चाहे ज़्यादा धूप ऊप लगता था तो इसी रूम में सब चीज़ रखाता था यहीं पे। और दोस्तों देखिए ये हम लोग का नेव पड़ा है इधर, अभी चलती हूँ उधर से दिखाती हूँ। ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें कितना मिट्टी पड़ा था कि मतलब नेव हम आए थे उस समय
तो देखी थी कि मतलब नींव के ऊपर ले मिट्टी था मुझे पापा, देख रहे हैं इसमें नींव के ऊपर ले मिट्टी था पूरा, देखिए पूरा ठेगुना से भी नीचे चला गया माटी गल के। आप कह रहे थे कि मतलब पता नहीं माटी मतलब बारिश के पानी से मतलब नीचे धंसा है कि नहीं, लेकिन सब धंस गया है। चलिए ऊपर। हेलो दोस्तों, तो देखिए फाइनली तौर से हम आ गए हैं अपने मकान पे जहाँ पे ये बन रहा है, और ये देख रहे हैं कितना कंजास है इसमें। चलिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं।